मैडम, जो आज ये जो कला का प्रदर्शन जो बच्चों ने किया है, क्या आपने इनको अलग से ट्रेनिंग दी है इसको? नो सर, ये सभी बच्चे घर से बना के लेके आए हैं और सारे होममेड हैं, यानी कि जो वेस्टीज है ना, पेपर वगैरह से इनसे बनाए, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है सर। सबसे अच्छा आइटम बच्चों को, जैसे यहाँ पर टॉपर भी बच्चा रहा होगा, तो इस क्लास का सबसे अच्छा आइटम क्या रहा? सर, बच्चों ने लड़ियाँ भी बनाई है, और जैसे कि पेंटिंग है सर, देखो तो इन बच्चों ने खुद ही घर से बना के लेके आए हैं पेंटिंग, तो सबसे बेस्ट तो मैं पेंटिंग को और जो ड्राइंग वगैरह की है उसी को बोलूँगी सर। थैंक यू। बगीचे में जिस तरह से फूल होते हैं, स्कूल में ये जो फूल है छोटे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम महेंद्रगढ़ के बलाना गांव में यहां उपस्थित हैं, विजय इंटरनेशनल स्कूल में उपस्थित हैं। विजय इंटरनेशनल स्कूल के जो विद्यार्थी हैं हमारे साथ हैं, और ये दीपावली का जो त्यौहार जो मनाया जा रहा है, दीपावली को लेकर बच्चों ने अपने जो घर को सजाने के लिए, घर में सजावट के लिए अपने कुछ ये जो खिलौने वगैरह बनाए हैं, तो हम दिखाते हैं। क्योंकि खिलौने अपने हाथ से बनाना, बुद्धि का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, और पढ़ाई का मतलब भी यही होता है कि बच्चे को अच्छे संस्कार, बच्चे का दिमाग का विकास, और बच्चे को आगे क्या करना है, इस प्रकार की सब शिक्षाएं देना। तो अब हम बच्चों से पूछते हैं किस प्रकार से स्कूल में तैयारी हुई है और इसको लेकर बच्चे क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। पहले इससे पहले जो अध्यापक हैं इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर अध्यापक उपस्थित हैं, किस प्रकार की इन्होंने तैयारियाँ करवाई हैं और यहाँ पर कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी कौन सी कक्षा तक के बच्चे हैं, कौन सी कक्षा से? सर सबसे पहले तो विजय इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से आपके दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। जी जी सर, जैसा कि आप देख रहे हो, हम शिक्षा में ही नहीं बल्कि हम लोग कला में भी आगे हैं। जी ठीक है। हमारे यहाँ पे सर हर श्रेणी के बच्चे यहाँ पे जो है इस क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। इसमें जो मेहंदी कॉम्पिटिशन है सर, इसमें दिया मेकिंग कॉम्पिटिशन है, ये बहुत सारी और भी हमारी प्रतियोगिताएं हम लोग करवा रहे हैं। तो जैसे बच्चों को ये कला आपने विद्यालय में सिखा रहे हैं या घर से सीखी हैं, और इन कलाओं को सिखाने का आपका क्या निर्देशन है, क्या करना चाहते हैं, इस माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं? सर ये तो इनका एक अंदरूनी कला है, बाकी हम लोग उनको निखारने का प्रयास करते हैं। जी देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, देखिए ये बेटी है और बेटी ने कैसे दिया जला रखा है, और बड़ा मोर पंख भी लगा रखा है, अगरबत्ती भी है, और बड़ी अच्छी सजावट है। तो बेटे कहाँ से हो, क्या नाम है? प्रतिष्ठा, और सोरी से। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? सेवन्थ में। ये आपने बनाया? यस सर। तो कैसा लग रहा है? जैसे घर पर हम लेके आते हैं, बाजार से लेके आते हैं, खिलौने लेके आते हैं, वो अच्छे लग रहे हैं या ये अच्छे लग रहे हैं? ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छे, तो कितनी देर में तैयार किया आपने ये? सर एक घंटे में तैयार हो गया। तो कुछ बेटी और बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे मेहंदी लगा रखी है, बेटी क्या नाम है? रिया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सेवन्थ में। मेहंदी किसने लगाई है ये? काव्य ने। बेटा आपने लगाई है? यस सर। तो कितनी देर में मेहंदी लगाई आपने? सर एक घंटे में। अच्छा, तो इसमें मेहंदी में क्या विशेष फूल बनाया है, क्या बनाया है इसमें? सर फूल और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। तो आप खाली मेहंदी बनाती हैं और भी कुछ जानती हैं, अलग से कोई कला है? दीपावली पर घर को सजाती हैं, उस पर क्या अलग से सजावट और भी आपने की? सर लड़ी वगैरह। जो बाहर से जैसे चाइनीज आइटम आते हैं उनको पसंद करती हैं या इनको पसंद करते हैं? सर इनको पसंद करते हैं। कुछ बच्चे और भी हैं इधर, इनसे बात करते हैं। ये देखते हैं बेटे, ये क्या बनाया है? ये चांद वाली मटकी। हाँ जी, जोर से बोलो बेटे। चांद वाली मटकी। रोटी खाई थी आज? कितनी खाई थी? एक। जोर लगाओ। चांद वाली मटकी। क्या बताया? चांद वाली मटकी। चांद वाली मटकी। अच्छा, तो ये कैसे तैयार की आप, ये सामान कहाँ से लेके आए? घर से। तो कितना खर्चा लगा? सर सौ रुपए। तो अब घर पर रखोगे? ये सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बेटे आपने भी साथ लग के बनाई? यस सर। कहाँ से हो, कौन सी कक्षा है? डैडोजी। क्या नाम है? डेरिया। हाँ बेटे देखिए, ये मेहंदी भी बना रही है, इस बेटी ने मेहंदी बना रखी है,
और ये मेहंदी के लिए। बेटे इसके अंदर है, मेहंदी के अंदर जो सजावट करे हैं, क्या विशेष आपका मोटिव? माँ के लिए बनाई है। नहीं, क्या बना रही हो आप? मेहंदी में दीपावली डिजाइन। ये डिजाइन का क्या नाम है? माँ। माँ के नाम से। देखिए माँ जो लिखा है, माँ शब्द है और बड़ी अच्छी कला के साथ है इनको बना रही है ये बेटी लगातार। तो इस बेटी से भी बात की है मैंने जो बताई है, तो मेरा कहने का मतलब है कुछ और भी बच्चे हैं जैसे मोरपंख से, और ये क्या बना रही हो बेटे? सर ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती? मोमबत्ती कहाँ है? ये पानी के अंदर है? यस सर। पानी के अंदर कैसे जलेगी ये? मोम है, आप जला के दिखाओ एक बार। देखिए अध्यापक हैं, सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी पंखे की जो हवा चल रही है, पंखा चल रहा है ऊपर, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब ये पानी के अंदर जो मोमबत्ती जलाई गई है, और पानी के अंदर क्योंकि रोशनी अलग से रिफ्लेक्शन लगने के बाद में कुछ रोशनी अलग से आती है, शायद ऊपर बत्ती गिल्ली हो गई है, शायद ये गिल्ली हो गई है, कोई नहीं। देखिए कुछ लोग चाइनीज जो आइटम लाते हैं वो एक अलग है, आदमी की खुद की जो कला से जो तैयारी की जाती है उसकी अनुभूति अलग से होती है, क्योंकि व्यक्ति जब परिश्रम करता है, परिश्रम के बाद में उसे जिस चीज़ की उपलब्धि होती है उसका कुछ अलग से ही उसको अच्छा लगता है। और हम जब बाज़ार से लेके आते हैं 10 रुपये की 20 रुपये की 50 रुपये की, हम उसको इग्नोर करते हैं और उसकी महत्ता को नहीं जानते, और इन बच्चों के दिमाग का विकास भी होता है, और विकास होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा देर लगातार पढ़ना, पूरी लेबर करना, थकावट करना, वो एक अलग विषय है। जब बच्चा खेल खेल में जो पढ़ाई करता है, रुचिकर पढ़ाई करता है, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और वो काम करने में निपुण होता है और थोड़े समय में अधिक पढ़ाई कर सकता है। तो दर्शकों आपको कैसा लगा ये, जैसे दीपावली के ऊपर इनका कार्यक्रम, आप अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।